हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस। हाउ आर यू ऑल? आई होप फाइन। सो डियर वंस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप सेक्शन 51 से लेकर 52, 53, 54 एंड अदर पार्ट्स आल्सो ऑफ सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यू पीपल कैन चेक आउट इन माय प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और वीडियोस भी हैं उसमें। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 57, सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट, हैव अ लुक। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आप लोगों को ये ईजी है, ये सेक्शन बहुत ईजी है। यू विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड दिस इसमें जो इसकी लैंग्वेज है सेक्शन 57 की, इट इज़ वेरी ईजी, वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो वो सेक्शन 57 क्या बोल रहा है। नाउ सी सेक्शन 57। 57 के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इन लीगल, वेयर पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकेंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ईजी है, यस। देखो सिंपल सी बात है, इमेजिन करो टू पीपल हैं, टू पर्सन्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो लीगल है बट जो उसका सेकेंड पार्ट है वो इलीगल है। मीन्स दे बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके ऊपर उन लोगों ने प्रॉमिस करा कि वो पूरा करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो लीगल पार्ट है बट जो दूसरे पार्ट के ऊपर उन्होंने प्रॉमिस करा वो इलीगल है। सो सबसे पहले जो इलीगल पार्ट होगा वो तो वॉइड एग्रीमेंट होगा। आप लोगों ने सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 के अंदर वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ा है, यस। यू कैन चेक आउट माई वीडियो इन माई प्ले लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 24 to 30। आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है, वहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट आई हैव एक्सप्लेन। सो इलीगल पार्ट के ऊपर अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बोलते हो कि हम इसके ऊपर एग्रीमेंट करा फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो एक वैलिड होगा? नो, डेट विल बी डायरेक्टली अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, सो वो एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। सेक्शन 51 साफ बोलता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2F, काइंडली प्रेफर दिस। आपको पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब पता होना चाहिए, उसके लिए आप सेक्शन 2F को प्रेफर करो। नहीं आता, टेल मी, आई विल टेल यू व्हाट इज सेक्शन 2F, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फर्स्ट लर्न द बेसिक, ऑलवेज गो थ्रू इंटरप्रिटेशन क्लॉज व्हेनेवर यू आर स्टडिंग कॉन्ट्रैक्ट और एनी ऑफ दी सब्जेक्ट और एनी ऑफ दी बेयर एक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस की, राइट। सो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, यहाँ पे दो पर्सन है एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, प्रॉमिस करा एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पर्सन ने क्या करा, प्रॉमिस करा। अब उनमें उसमें से जो फर्स्टली जो प्रॉमिस का पहला पार्ट है वो लीगल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट जो इलीगल पार्ट के ऊपर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। लेट इज अंडरस्टैंड दिस विद एन इलस्ट्रेशन। देखो इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी एग्री डेट ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर 10,000 rupees बट डेट If B uses it as gambling house, pay A rupees 50,000 for it. The first per set of reciprocal promises, namely to sell the house and to pay 10,000 rupees for it, is a contract. The second set is for unlawful object, namely that B may use the house as a gambling house and is a void agreement. Isn't it easy? Yes, आपको इलस्ट्रेशन समझ में आया? ओ सॉरी आई कांट हेयर यू। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी, ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ए बी को अपना हाउस क्या कर रहा है, सेल करेगा कितने रुपीज में, 10,000 रुपीज में सेल करेगा।
उसके लिए बी बोलता है कि बी इफ बी यूजेस, अगर बी उस हाउस को, ए के हाउस को गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है जो कि इलीगल है, ठीक है, उसके लिए अगर यूज करता है तो ए उससे, ए को बी को 50,000 rupees देने पड़ेंगे गैम्बलिंग पर्पस के लिए. नाउ द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस हेयर, नेमली टू सेल द हाउस इफ वी टॉक अबाउट, तो सिंपल ए बी को घर बेच रहा है 10,000 पे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज लीगल राइट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बट जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, नेमली दैट बी जो है 50,000 rupees देगा ए को अगर वो गैम्बलिंग पर्पस के लिए हाउस खरीदता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, वो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा. मस्ट प्रेफर सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 फॉर वॉइड एग्रीमेंट, देन यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा. हाउस यहां पे इलस्ट्रेशन में ए और बी ने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने बोला कि मैं तुम्हें घर बेचता हूं, ए यहां पे बी को हाउस बेच रहा है 10,000 rupees में, और 50,000 rupees में तब देगा अगर वो हाउस को गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है. नाउ अब 10,000 के लिए जो हाउस सेल हो रहा है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लीगली तरीके से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है. सेकेंड सेट में उसने बोला कि वो हाउस को देगा बट गैम्बलिंग पर्पस के लिए 50,000 rupees में, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, ठीक है, सो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा. सो दिस सेक्शन 57 सिंपल सा बहुत ही ईजी सेक्शन है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, बहुत ईजी है, सिंपल सी बात करता है कि जो लीगल होगा पार्ट दैट विल बी अ वैलिड, बट उसके साथ जो इलीगल पार्ट होगा वो अनलॉफुल है, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड कहलाया जाएगा. सिंपल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, यहाँ पे सेक्शन 57 में इसकी बात हुई, ठीक है, जो लीगल पार्ट होगा उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट इलीगल पार्ट के लिए नहीं कर सकते आप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दिस इज ईजी इजंट इट, और सेक्शन 58 आई विल बी डीलिंग इन द सेकेंड वीडियो, वो भी बहुत ईजी है, यू पीपल विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस फॉर मोर वीडियोज, एंड काइंडली प्रेफर previous videos too which I have uploaded in my playlist, you people can check it out. That's it and thank you.